Hey, what's up guys, welcome back to my channel Technical Akbar 071। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टनल कैट वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में, जिसका रेटिंग पॉइंट है 4.1 और साथ ही साथ 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अब ये एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है और इससे फायदा होगा या फिर नुकसान, मैं आपको सारी चीजें अपनी स्टूडियो में लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक के बने रहना अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड किया था और आप इस एप्लीकेशन से क्या करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपको एप्लीकेशन को यूज करने में जरा सी भी दिक्कत और परेशानी ना हो और मैं आपको सारी जानकारी आसानी से दे सकूं। दोस्तों एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्विफ्ट टू कनेक्ट वाला ऑप्शन आपके सामने आता है। अगर आप यहाँ पे स्विफ्ट करते हो तो इस तरीके से कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, तो आपको यहाँ पे ओके नहीं करना है। अगर आप ओके करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ पे कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे फिर से स्विफ्ट वाला ऑप्शन अटक गया है, तो आपको सिंपली फिर से एक बार स्विफ्ट करना है। तो यहाँ फिर से आपको वही कनेक्शन रिक्वेस्ट मिलेगी तो आपको फिर से कैंसिल कर देना है। फिर से आपको एक बार यहाँ दोस्तों स्विफ्ट पे क्लिक करना है और फिर जैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी तो आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे जब तक आपको स्विफ्ट हट नहीं जाता तब तक कि आपको कैंसिल करना है और उसके बाद ओके करते रहना है। दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आती है, तो यहाँ देख सकते हो कनेक्टेड वाला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। आपको जल्दी से बैक के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे स्मार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्मार्ट वाले ऑप्शन को छोड़कर किसी एक को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अजबरन पे क्लिक कर दिया दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट के ऊपर। जैसे हमने क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट देख सकते हो, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है और साथ ही साथ ये कनेक्ट भी हो चुका है। तो ये एडवर्टाइजिंग को हटा देते हैं। अब देख सकते हो दोस्तों कनेक्टेड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे पहले कुछ और लिखा हुआ था, अभी हमने इसको चेंज कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद में आप इससे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग के साथ साथ फोटो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। मेरे को आपको बताने का मकसद ये था दोस्तों कि आपको गलती नहीं करना है, ये कहाँ कनेक्ट होता पता नहीं, इसलिए मैंने आपको वहाँ से चेंज करवाया। अब इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के बाद में आप आसानी से जो भी एप्लीकेशन यूज़ करोगे उसमें जाकर आप लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, चैटिंग, इमोजी, सॉन्ग सब कुछ आप कर सकते हो आसानी से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।